हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो सोचा हमने आप सभी से ब्रेकफास्ट थोड़ा शेयर करते हैं। ये है प्याज और ये थोड़ी सी मिर्चा, क्योंकि ज़्यादा हम तीखा नहीं खाते हैं। इसको हम थोड़ा फ्राई करते हैं और इसको थोड़ा ब्राउन होने तक, मतलब थोड़ा हल्का 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 ब्राउन हो जाए तब तक इसको भूनते हैं। और ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है तो इसमें हम ये कटी हुई भिंडी डाल देंगे इसको, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डालूंगी, कुछ नमक डालूंगी और हल्दी डालूंगी और इसको करारा करारा भिंडी की भुजिया बनाऊंगी। आप लोग भी जरूर से खाइएगा इसे बनाकर, तो देखिएगा कैसा होता है। क्योंकि भिंडी बनाने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, मेरा अपना अलग है। और ये थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और हम इसको ढक कर नहीं पकाएंगे, ऐसे ही खुला में पकाएंगे इसको, ढकेंगे नहीं। क्योंकि ढकने से इसमें पानी छूट जाएगा तो ये चिपचिपा बन जाएगा, तो इसको हम ढकेंगे नहीं, ऐसे पकाऊंगे इसको। और इस तरह हल्की हल्की हमारी भिंडी थोड़ी पक गई है, थोड़ा और पकाऊंगी कि थोड़ी करारा बनेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। और इसके साथ में क्या बनाऊंगी ये जरूर देखिएगा। और हमारी ये भिंडी की टूटी करारी करारी भुजिया बिल्कुल तैयार है, ठीक है। और उसके साथ हमने ये पूरी बनाई हूँ, यानी कि कचौड़ी पूरी, मेरे बेटे को बहुत पसंद है भिंडी के साथ, तो इसलिए हमने आज बनाया है। और ये हमारा ब्रेकफास्ट है, तो आप लोग जरूर बताना फ्रेंड्स कैसा लगा, ठीक है। और हमारी ये भुजिया और ये पूरी, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। बाय बाय।